अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। आज मैंने 10:45 बजे से ब्लॉग शुरू कर दिया। आज है संडे और आज मैं आप लोगों को एक न्यू अपडेट दूंगा यार हमारी गाड़ी के बारे में। और हम अपनी गाड़ी को जो है वो मॉडिफाई करवा रहे हैं, समझ रहे हो। तो स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाई होगी। पहले टायर्स को देखें, मतलब पहले रिम्स को हम लोगों ने थोड़ा चेक किया है और फिर हम डेंटिंग करवाएंगे और रैप भी करवाएंगे हम अपनी गाड़ी को, और रैप या पेंट ऐसे ही कुछ करवाएंगे। बिलाल भी आ गया अभी सो के उठ के। अभी मैं आप लोग दिखाता हूँ यार रिम्स कैसे लग रहा है। ये है रिम्स, हम लोगों ने इस पर जो है वो कलर करवाया। ऐसा लग रहा है फुल न्यू रिम्स है, क्योंकि ये देख सकते हैं इतना शाइन कर रहे हैं ये। क्योंकि पहले जो है ना वो हमारी कार के रिम्स जो थे ना वो ब्लैक थे, वो इतना नज़र नहीं आते थे। तो ज़रा मॉडिफाई भी करा रहे हैं, तो ज़रा हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा अच्छा करा ले, रिम्स को पेंट करा लेते हैं। अच्छा गाइस, अब रिम्स तो पेंट हो चुके हैं, अब अगला जो स्टेप है ना हमारी कार को सही करने का वो ये है। ये डेंट जो लगे हुए हैं ना, ये देख सकते हैं, ये पूरी नीचे से ना थोड़ी थोड़ी सी हैं इसमें, ये देखें। तो ये हम डेंटिंग इस पर कराएंगे और डेंटर वाले ये कर देंगे, तो ये फुल सही हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग रैप या पेंट भी इस पर कराएंगे ना, तो अगर ये सही नहीं कराए तो इस पर सारा नज़र आता है, क्योंकि रैप तो एक पीस ऑफ पेपर है। अच्छा, तो और हमारा उससे अगला स्टेप, हम लोगों ने हेडलाइट की बात अभी करी है। हेडलाइट अभी हमारी पसंद नहीं आई है अभी कोई भी, तो अभी तो एक अंकल बोल रहे हैं कि मैं इसको सही कर दूंगा, फुल साफ वाफ कर दूंगा। वो उनका साफ़ करने का ही काम है। तो हम लोगों ने बोला कि न्यू नहीं लग सकती, उन्होंने बोला ये ऐसी मैं साफ़ करके दूंगा, ये बिल्कुल न्यू हो जाएगी। आप बोलो कि न्यू है बिल्कुल। हाँ, तो पीछे वाली लाइट भी फुल साफ़ या न्यू लगाएंगे हम, और हम फॉक्स लाइट भी लगाएंगे यहाँ से आगे से फॉक्स लाइट। और फिर ये जो ऊपर हम लोगों ने जो शीट लगाई है, ये थोड़ी सी उतर रही है यहाँ से, काफ़ी उतर गई है। तो हम लोगों ने इसको सोचा थोड़ा सा वो इसको भी करा लें, शीट लेके ना इसको भी चिपकवा लें। सो ये अभी रिम्स तो कल पेंट होकर आए थे, अभी अंकल बोल रहे हैं कि मंडे को गाड़ी दे जाना, आपकी ये डेंटिंग भी कर देंगे। क्योंकि डेंटिंग यार लंबा काम है और 7 डेज डेंटिंग में लगेंगे। तो अब्बू ने सोचा है कि सुबह देंगे उनको गाड़ी और शाम में उनसे गाड़ी ले लेंगे। तो ये हम लोगों ने सोचा है ऐसे ऐसे कराएंगे। और फिर ये भी साइड मिरर्स भी न्यू लगेंगे, इंटीरियर के वो सीट कवर्स भी अच्छे से लग जाएंगे। सो ये है सीन भाई। ऐसे रिम्स से ना बहुत अच्छी लुक आ रही है गाड़ी की, बहुत सही हो गई ये गाड़ी। सो आप ये भी देख सकते हैं, अब यहाँ लिप्स भी लगेंगे, लिप्स भी लगेंगे गाड़ी के नीचे। और मैं आप लोग दिखा देता हूँ कि यहाँ फेंडर शील्ड नहीं होती, फेंडर्स वो जो गाड़ी के टायर के ऊपर लगता है, वो भी लगेंगे। मगर वो डेंटिंग के बाद फुल जब सही हो जाएगी ना, उसके बाद वो फेंडर्स लगेंगे। गाइस, जो मंडे है उसमें ये कार चली जाएगी और मैं आप लोगों को मंडे को दिखाऊंगा कि क्या क्या काम हुआ है। तो साथ बने रहिएगा ब्लॉग के, और जो भी होते जाएगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं आपसे मंडे को। सो गाइस, आज है मंडे और आज हमें जाना है भाई अपनी गाड़ी देने। हाँ, तो आज हमें जाना है अपनी गाड़ी देने, तो वहाँ जाके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। यार अभी हम पहुंच तो चुके हैं, गाड़ी दे दी है, अभी चेक होगी कि क्या क्या डेंट है। वैसे काम थोड़ा ज़्यादा है, तो अभी डेंट ना सारे निकलेंगे, फिर और भी डेंट निकाल देंगे। हम लोगों ने अपनी गाड़ी तो दे दी है, मगर वो बोल रहे हैं कि भाई ये जल्दी वाला काम नहीं है, इसमें थोड़ी देर लगेगी, मतलब 10 दिन तो लगेंगे। तो जय अपडेट देते रहूँगा मैं आप लोगों इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।